हे गाइस, वेलकम टू पार्ट टू इन गोवा। एंड आज हम लोग, जैसे आपको पता है, गोवा में ही है। गोवा में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं खाना। सो आज हम लोग जाएंगे अंजुना साइड पे पहले। एंड अंजुना साइड पे जाके विनायक करके एक जगह है, विच इज़ लाइक अ वेरी ओल्ड प्लेस एंड विच सर्व्स लाइक रियली रियली गुड थाली, फिश थाली। सो एंड व्हेन इन गोवा यू गॉट डेफिनेटली हैव फिश ओनली। सो वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे जाके देखते हैं खाना कैसा है। एंड आई गिव यू माय रिव्यू ऑन इट। लेट्स गो। हे गाइस, सो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है एक गोवन स्पेशल फिश थाली एंड साथ में चिकन जाकुटी भी ऑर्डर किया है एंड एक रावा फ्राइड प्रॉन्स भी बोल दिया है मैंने। साथ में डिजर्ट के लिए सेरा दोरा भी बोला है। सो वी जस्ट गोना वेट एंड जगह कुछ ज़्यादा ही फुल है। लेट्स सी हाउ मच टाइम एंड टेक। चिकन जाकुटी आ गया है यहाँ पे एंड साथ में पराठा भी मंगा है। हमारा मेन थाली जो है वो मैंने साइड में रखा है। मैं बोला इससे शुरू करेंगे एंड फिर बाकी की चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो पराठा काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि नान वो सब अभी थे नहीं अवेलेबल, तो हमने बोला पराठा और ये ही खाते हैं। एंड साथ में हमारे पास ये रवा फ्राइड प्रॉन्स भी आ गए। ग्रेवी काफ़ी डिलीशियस है इसका एंड पराठा जो है बटर है, पूरा बटर से लोडेड है एंड द पराठा विद द ग्रेवी इज टेस्टिंग वेरी गुड। इन्होंने बोन वाले पीसेस डाले इसके अंदर बट टेस्ट काफ़ी अमेजिंग है। एंड ये मैं ख़त्म करने को देखता हूँ एंड फिर थाली खाई। एंड अब आते हैं हमारे मेन यू नो स्टार ऑफ द शो पे। तो ये स्पेशल किंग फिश थाली है। इन्होंने इसके अंदर रवा फ्राइड फिश डाला हुआ है विच इज़ यू नो सुरमई, क्रैब है, ग्रेवी है, एक शेलफिश है, कचुम्बर है, आई थिंक ड्राइड फिश है, राइस है, अचार है एंड साथ में मैंने यहाँ पे प्रॉन्स भी ऑर्डर कर दिए, रवा फ्राइड प्रॉन्स। एंड मुझे प्रॉन्स का बहुत बड़ा क्रेज़ है। सो पहले प्रॉन्स शुरू करते हैं। काफ़ी गर्म है। सो प्रॉन्स जो है दे आर कुक वेरी वेल, दे आर वेरी वेल डन एंड इट्स नॉट ओवर कुक एट ऑल। एंड जो टेस्ट है रवा फ्राइड प्रॉन्स का दैट इज टू गुड, अमेजिंग। एंड नाउ लेट्स ट्राई द किंग फिश। फिश भी जो है वो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। इट्स वेरी वेल डन, इट्स नॉट ओवर कुक अगेन। रवा फ्राइड का, रवा का जो टेस्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो टू गुड। एंड मैं काम करूँगा ये पूरा ख़त्म करूँगा एंड फिर आपको मेरे डिटेल रिव्यू दूंगा। सो आई सी यू इन लाइक अ वाइल। सो खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा था बट इनका सर्विस जो था वो थोड़ा ख़राब, एक्चुअली थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। अगर आप यहाँ पे आओगे देन प्लीज़ मेक श्योर आप पहले कुछ खा के आओ, भूखे मत आना यहाँ पे बिकॉज हमें लिटरली 20 मिनट लग गए ओनली सो दैट वी कुड लाइक सी अ मेन्यू कार्ड समथिंग। सो ओवरऑल द फूड यूर वॉज वेरी गुड, टेस्ट काफ़ी अच्छा था एंड वेरी वैल्यू फॉर मनी। ये पूरा वाला थाली जो था वो मुझे 320 रुपये का पड़ा। सो 320 रुपये में आपको इतना पेट भर के खाना मिल जाता है। साथ में चिकन जाकुटी जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था बट उसमें हड्डी वाले पीसेस कुछ ज़्यादा ही थे, मतलब हड्डी वाले पीसेस विद लेस मीट यू कैन से। बट इवन दैट वाज लाइक फॉर 200 bucks इट वाज वेरी वैल्यूबल, वो 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। सो वो भी एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला खाना था। साथ में हमने प्रॉन रवा फ्राइड राइस भी लिया, प्रॉन्स रवा फ्राई लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। वो 400 रुपये का था एंड पूरा एक प्लेट भर के हमें प्रॉन्स आ गए थे एंड वो भी टाइगर प्रॉन्स थे एंड प्रॉन्स वर जूसी एंड वॉज टू गुड। ओवरऑल खाना यहाँ पे इज़ वेरी वेरी गुड बट द सर्विस इज़ अ बिट स्लो बट ओवरऑल इट्स लाइक अ वेरी बिग लाइक थम्स अप फ्रॉम मी। सो या सो दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट। होप आप लोग को भी अच्छा लगा रहेगा देख के। बट नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। हे गाइस, सो हमारा नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है सेंट एंथनी। सेंट एंथनी जो है बागा बीच के यहाँ पे है, बागा बीच पे ही है एक्चुअली
एंड अगर आपको ब्रिटोस पता है तो ब्रिटोस के एकदम साइड में ही है, मैं लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज यूजुअल। एंड वहाँ का मुझे खाना बहुत टाइम से ट्राई करना है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गाइस। सो सेंट एंथनीज के बाहर ही बीच है, आई मीन जैसे ही सेंट एंथनीज आप बाहर देखेंगे तो बीच है, इट इज़ एक्चुअली ऑन द बीच इटसेल्फ। एंड मुझे यहाँ पे आके रिव्यू देना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है एंड द वाइब देयर इज टू गुड, इट इज़ वेरी अमेजिंग। खाना जो था मैंने लॉबस्टर ऑर्डर किया एंड लॉबस्टर का टेस्ट वॉज टू गुड। हमने लॉबस्टर ऑर्डर किया विच वॉज फॉर 2500 एंड सुनने में थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है बट ट्रस्ट मी इट इज़ वर्थ इट। वो जो है इतना अच्छा है एंड हमने जो मसाला लाइक द प्रिपरेशन जो बोला था वो बटर गार्लिक वाला बोला था, वैसे उनके पास और दो अलग ऑप्शन है विच इज़ तंदूरी एंड मसाला, बट हमने बटर गार्लिक किया सो दैट यू नो अलग एक फ्लेवर है। सो दैट्स व्हाई वी ऑर्डर दैट एंड द टेस्ट वाज टू गुड, लव द टेस्ट, अमेजिंग, वेरी वेल कुक्ड एंड दैट इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई व्हेन यू कम हियर। एंड अभी हम लोग बीच पे आए थोड़ी देर के लिए सो दैट जब तक दूसरा ऑर्डर आए तब तक हम लोग बीच पे चिल करेंगे एंड देन वील गो इन फॉर द अदर ऑर्डर। सो लेट्स वेट फॉर द अदर ऑर्डर एंड वी सकता था बिकॉज ऑफ द होल नॉइज एंड द लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन। वहाँ का जो वाइब था दैट वॉज टू गुड, इट वॉज वेरी अमेजिंग। लाइव म्यूजिक चालू था एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, वहाँ पे देर इज अ लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वाइब, वेरी गुड सॉन्ग्स, एवरीवन इज डांसिंग, बहुत मज़ा आता रहता है वहाँ पे। मैं वो शूट नहीं कर पाया बिकॉज यू नो लोगों को अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं अगर हम लोग वो शूट करें तो, बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी क्रेजी वाइब। कमिंग टू द फूड पार्ट ऑफ इट, वी ट्राइड द चिकन काफ्रियाल विद नान एंड उसके बाद हमने एक प्रॉन्स नो सॉरी फिश विंदालू मंगाया था एंड साथ में राइस मंगाया था। फिश विंदालू जो था दैट वाज वेरी अमेजिंग, वेरी टेस्टी एंड वेरी यू नो क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था एंड वेरी वैल्यू फॉर मनी था। सेम फॉर द चिकन काफ्रियाल, चिकन काफ्रियाल का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। उनके पास पाव अवेलेबल नहीं था, पाव या पुई जो बोलते हैं गोवा में वो अवेलेबल नहीं था तो उसकी वजह से मुझे बटर नान लेना पड़ा, बट चिकन काफ्रियाल भी काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी था। मतलब उनका जो हाफ पोर्शन था दैट वॉज फॉर 330 रुपीज़ एंड उसमें मतलब आराम से दो जन खा सकते हैं फॉर श्योर। जो फिश का करी था, फिश विंदालू था, वो भी आई थिंक 500 रुपीज़ को था एंड उसमें भी आराम से पेट भर जाएगा सबका एंड काफ़ी डिलीशियस था। उसमें फ़िश के पीसेस बहुत सारे डाले हुए थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रेवी डाला है फ़िश कम डाले, फ़िश के भर के पीसेस थे, ग्रेवी भर के था एंड टू गुड। ओवरऑल दिस इज लाइक द परफेक्ट यू नो गोवा वाला प्लेस, मतलब गोवा में अगर आओ तो ये जगह पर ज़रूर जाना। सेंट एंथनीज का मैं सेंट एंथनीज नहीं बट जो भी हम लोग जगह जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं नाम और यू नो लिंक सब कुछ डालूंगा गूगल का ताकि आप लोग को इजी पड़े इन फाइंडिंग इट। ये कोई कोई जगह जो है जोमेटो पे अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ गूगल का लिंक डालूंगा, सो यू कैन गो चेक इट आउट एंड यू नो अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पर जाके देखते हैं क्या ट्राई करेंगे। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट। So yeah, so let's go to the next location and let's see what we'll have now. Hey guys, so हम लोग आ चुके हैं to a new place and before you think about it, हाँ कि मैंने change किया है यहाँ पर, humidity actually बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर बैठ के भी पसीना आ रहा है।
गोवा में कभी भी आओ ह्यूमिडिटी हमेशा रहता है, हम लिटरली हर जगह के बाद जाके चेंज करें और फिर नया जगह कवर करने जा रहे हैं। सो अभी हम लोग आए हैं टमेटोज गार्डन एंड बार, एंड ये वाला आउटलेट कैंडोलिम में है। इनके तीन आउटलेट है वैसे, एंड इनका जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लोकेशन एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम लोग आए, द जगह का वाइब जो है दैट इज़ रियली अमेजिंग, इट लुक्स वेरी गुड, इट्स गॉट अ वेरी कूल वाइब टू इट। एंड वी ऑर्डर्ड फॉर अ गोवन फिश फ्राई, ज़्यादा नहीं ऑर्डर किया, एक ही चीज़ ऑर्डर किया है। उनका फिश का नाम जो बोला था वो मुझे याद नहीं, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स योर, बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट वील गो फॉर इट। तो ऑर्डर किया है, लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड आई विल गिव यू माई रिव्यू ऑन इट। हे गाइस, सो यहाँ पे ये जो फिश है, दिस इज़ मोरसो फिश, एंड इन्होंने गोवन मसालों में डाला हुआ है, एंड इट लुक्स रियली गुड, लुक्स वेरी अपीलिंग। साथ में अनियंस है, कैप्सिकम्स है, रेड कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम है, एंड दे हैव गिवन लाइक कैबेज एंड एवरीथिंग फॉर दिस। मसालेदार है, उनका टेस्ट इज वेरी अमेजिंग। ये टाइप का खाना जैसे हम पुणे में रहते हैं, ये टाइप का जो टेस्ट है ये पुणे में मिलता ही नहीं है। ये गोवन के जो स्पाइसेस रहते हैं दैट इज अमेजिंग। लाइक मेरा एक मानना है, विच एवर प्लेस यू गो टू, ट्राई द लोकल फूड देयर। ऐसे नहीं कि आप गोवा आ गए एंड जाके KFC खा रहे हो, सबवे खा रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ का लोकल फूड खाना, एक्सपीरियंस द फूड विच दीज लोकल्स हैव, एंड यू नो ट्राई इट आउट, नो व्हाट इज फेमस हियर, मतलब लोग क्यों यहाँ पे आते हैं इतना दूर तक। So this Goan fish is really amazing, Goan fish fry, and it's very value for money as well, मतलब 450 में आपको ये पूरा भर के आ जाता है, काफ़ी value for money है, taste काफ़ी अच्छा है। So ये ख़त्म करता हूँ and आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। Hey guys, so यहाँ पे खाना was, you know, it was very good, हमने एक ही चीज़ ऑर्डर किया, हमने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया। ओवरऑल द वाइब वॉज मच बेटर दैन द फूड योर, एंड एक में से एरर हो गया, द गोवन फिश फ्राई इज़ नॉट फॉर 450, इट इज़ फॉर 550 रुपीज़। सो 550 प्लस फिर आपको टैक्स वैक्स लग जाएगा, तो अराउंड 600 तक हो जाता है उसका। बट ओवरऑल द वाइब वॉज वेरी गुड एंड प्लेस वॉज ऑल्सो वेरी गुड, लाइक द प्लेस अ लॉट एज वेल। सो या, सो ओवरऑल दिस वॉज आर यू नो पार्ट टू फॉर गोवा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। हमने आज डिजर्ट से एंड नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स ओके, आई मीन या। सो वीडियो अच्छा लगेगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कभी मिस आउट नहीं करो जब भी हम कोई वीडियोस डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट अ मोटो विच इज लिव टू ईट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। सो चुपना। हे गाइस, सो हम लोग हाँ गाइस, घर से AC लेके आना क्योंकि गोवा में बहुत गर्मी होती है। ओके, थैंक यू।